सबका मैं रवि कुमार लिविंग एकेडमी में सहज स्वागत करता हूँ। आज प्राणायाम की श्रृंखला में देखते हैं प्राणायाम के लाभ। क्योंकि प्राणायाम करने से पाचन तंत्र फुफ्फुस एवं हृदय प्रदेश सुचारू रूप से काम करने लग जाते हैं, जिससे कि शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगती है और रक्त की शुद्धता भी बढ़ जाती है। रक्त संचार ठीक ढंग से होता है, रक्त संचार अच्छा हो तो पूरे शरीर को नव जीवन नव चेतना स्फूर्ति प्राप्त होती है। शरीर का कायाकल्प हो जाता है, ओज तेज बढ़ता है, चेहरे में झुर्रियां नहीं रहती है, चेहरे में चमक आ जाती है, आंखें सुंदर दिखने लगती है, हम हमेशा तरोताजा दिखते हैं, तो सामने वाला भी खुश हो जाता है, हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है, हमारे आसपास का वातावरण खुशनुमा हो जाता है, जिस कारण हम घर परिवार पड़ोसी दोस्त शहर प्रदेश देश एवं विश्व को इस पंच तत्व से बने ऊर्जावान शरीर द्वारा अप्राणित करते हैं और हम अपने आसपास के ऑरा को भी सुगंधित कर देते हैं। क्रिया सिद्ध होने पर पाप और अज्ञानता का नाश होता है। प्राणायाम की सिद्धि से मन अस्थिर होकर योग के लिए समर्थ और सुपात्र हो जाता है। इसके माध्यम से हम अष्टांग योग की प्रत्याहार धारणा ध्यान और अंत में समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। प्राणायाम से हमारे शरीर का संपूर्ण विकास होता है। फेफड़ों में अधिक मात्रा में शुद्ध हवा आने से हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। नियमित प्राणायाम से हमारा जबरदस्त मानसिक विकास होता है। प्राणायाम करते हुए हम मन को एकाग्र करते हैं, इससे मन हमारे संपूर्णतः नियंत्रण में आ जाता है। प्राणायाम से शरीर की सभी बीमारियों में 9 महीने में निश्चित तौर से आराम मिलने लग जाता है। सुबह सुबह थोड़ा सा व्यायाम या योगासन करने से हमारा पूरा दिन स्फूर्ति और ताजगी भरा रहता है। यदि हमें दिन भर अत्यधिक मानसिक तनाव झेलना पड़ता है तो यह क्रिया प्राणायाम अवश्य करें, दिन भर चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे। इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति से फेफड़े और सांस से संबंधित सभी बीमारियां स्वतः दूर हो जाती है। हर समय अपने सुंदर सुखद और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि नियमित प्राणायाम करने से हमारे उदर प्रदेश के समस्त रोग दूर हो जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, जिस कारण कब्ज का नाश हो जाता है, आंतों में मल नहीं चिपकता है, जिससे कि वायु विकार का भी नाश हो जाता है। इसलिए वायु संबंधी रोग जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, बालों का समय सफेद होना, वात दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द आदि सब का समन हो जाता है। अगर हम आसन परिपक्व हो जाए और उसके भी बाद प्राणायाम का लाभ ले तो इससे हमें अप्रत्याशित फायदे मिलने की संभावना बन जाती है। प्राणायाम क्रिया करने से हमारी जठरांगनी तेज हो जाती है, जिससे कब्ज और अन्य कई सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। प्राणायाम का संबंध हमारी स्नायु प्रणाली से नर्वस सिस्टम से बहुत अधिक है। यदि वे ध्वस्त हो जाए तो मन एकाग्र नहीं हो पाता, स्नायु में तनाव रहता है तो मन में भी तनाव रहेगा, तब तक मन शांत स्थिति में नहीं आ पाती है। ग्रहणशील न हो तब तक प्राणायाम का अभ्यास हो ही नहीं सकता। प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है। प्राणायाम द्वारा अतिक्रिय ज्ञान का प्रकाश होकर अज्ञान का नाश होता है। प्राणायाम करने से मित्रों हमारे पाचन तंत्र के सुचारू हो जाते हैं, इसका परिचालन बिल्कुल नियमित हो जाता है, जिसके कारण भोजन अच्छी तरह से पचता है। भोजन में पाए जाने वाले सभी विटामिन प्रोटीन मिनरल्स पूर्णतः हमारे शरीर को पोषकता प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर बुढ़ापे तक स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही
स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए बुढ़ापे में भी किसी प्रकार का मानसिक उद्वेग या कोई मानसिकता मानसिक अस्वस्थता नहीं रहती है, जिस कारण से बुढ़ापे में होने वाली सारी बीमारियां अतिक्रमण नहीं कर पाती है। हम जब स्वस्थ होते हैं मित्रों नियमित प्राणायाम करके, तो इस विश्व को भी स्वस्थ बनाते होते हैं, क्योंकि हमसे ही तो यह विश्व भी बनता है। प्राणायाम से मित्रों हमारे समस्त शरीर में जीवन और शक्ति का संचरण होता है। यह बुढ़ापे को भी काफी दूर रखता है, ढकेल देता है। बुढ़ापे में श्वास क्रिया में मंद हो जाने के कारण हृदय को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे हमारे डायफ्राम की वायु कोशिकाएं संकुचित हो जाती है। प्राणायाम द्वारा हम रक्त संचार की गति को सामान्य करता हुआ सक्षम की पूर्ति कर लेता है। दूषित नाड़ियों का शुद्धिकरण कर यह शरीर को फुर्तीला बना देता है। प्राणायाम शारीरिक और मानसिक बल ही नहीं बल्कि यह आत्मा का भी उत्थान करता है। इसलिए मित्रों प्राणायाम को जीवन का अंग बनाइए। शुद्ध ढंग से किया गया अभ्यास सांसारिक विषय वासनाओं से विमुख करता है और साधक में पांचों इंद्रियों को वश में करने की क्षमता प्रदान करती है। प्राणायाम से अगर होने वाले मुख्य लाभ की बात की जाए मित्रों, तो यह हमें दीर्घायु प्रदान करता है। यह ब्रह्मचर्य कारक है, अर्थात यह बिंदु को ऊर्ध्वमुखी बनाता है, जिससे हमारी ओज तेज और बल में वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य और प्राणायाम को एक दूसरे का पूरक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो मनोयोग से प्राणायाम करते हैं उसके विषय कषाय दूर होते हैं, काम वासना का समन होता है, एवं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह साधक प्राणायाम अति शीघ्र सीख लेते हैं। त्रितोष नाशक होते हैं, यानी कि हमारे शरीर से वात पित्त कफ का संपूर्ण नाश हो जाता है। प्राणायाम से समस्त शरीर में जीवन और शक्ति का संचार होता है। हम प्राणायाम को उचित ढंग से ना करें मित्रों, तो हमारे मन को यह बेचैन कर सकता है, चिड़चिड़ापन बेचैनी और तनाव उत्पन्न कर सकता है, चेहरे पर जितना असर दिखने लगता है। इसे अशुद्ध अभ्यास से बचे और गाइडेड किसी स्पोर्ट टीचर से काफी अध्ययन करने के बाद ही प्राणायाम प्रारंभ करें। नियमित आसन से फुफ्फुस के तंतुओं में लोच आ जाता है, इसमें लचीलापन आ जाता है और प्राणायाम उचित ढंग से होता है। प्राणायाम के पूर्व हमें अपने मूत्राशय और अंतराशय आंतों बाहु को खाली कर लेना चाहिए। तेज ध्वनि के बीच और घबराहट के समय हमें प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो मित्रों यह थे प्राणायाम के लाभ। अगर सुबह में थोड़ा सा समय भी आप निकाल लेते हैं तो इसका असर आप शीघ्र ही अपने शरीर पर मन पर और आत्मा पर देखेंगे कि यह आपको किस तरह से चुस्त और तंदुरुस्त कर दिया। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए मैं नरेंद्र कुमार आप सबको सब धन्यवाद करता हूँ।